नमस्कार दोस्तों, मैं हूं केशव गौतम और आप देख रहे हैं यूपी राजधानी न्यूज़। दोस्तों, आज इस राजधानी उत्तर प्रदेश के लखनऊ मारुतिपुरम में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया। यहां पर महान विभूतियां अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। आइए हम मुलाकात कराते हैं आप लोगों से कि और पूछते हैं कि आखिर ये जो हम लोग योग करते हैं इसके पीछे क्या उद्देश्य है और कौन कौन से फ़ायदे हम लोगों को मिलते हैं। तो सर, सबसे पहले मैं सर आपका परिचय जानना चाहूँगा। मेरा नाम सुधीर है, मैं इस योग दिवस में शामिल होने आया हूँ और बहुत अच्छा लगा यहाँ पे। योग प्रत्येक व्यक्ति की दिनचर्या में पूरा शामिल होना चाहिए। और योग जितना कहता ना, हेल्थ इज़ वेल्थ, जितना शरीर स्वस्थ रहता है उतना ही हम अपने जीवन के सभी कामों को निर्विवाद रूप से कर सकते हैं। सर, इस योग दिवस की शुरुआत अब हुई या पुरातन से चली आ रही है? योग दिवस तो बहुत प्राचीन है, जितना आयुर्वेदों में भी योग का वर्णन है। और योग तो जो है हमारे ऋषि मुनि प्रारंभ से ही करते चले आ रहे थे, तो योग तो उसको पुनर्जीवित किया गया है। लोग जो भूल गए थे, पश्चिम देशों ने हमें इसको योगा के नाम से ले लिया था, हम लोग योग तो हमारा बहुत पुराना है और योग जो है उसको पुनर्जीवित किया गया है। सर, मैं आपका नाम जानना चाहूँगा। कपिल देव द्विवेदी। सर, आप जो योगा करते हैं तो इससे कौन कौन से लाभ आपको महसूस हो रहे हैं? इससे शरीर के तमाम जॉइंट्स हमेशा मूवमेंट में रहते हैं, बॉडी मूवमेंट में रहती है। और योग करने से तमाम बीमारियां, जो बीमारियां हम दवाओं से ठीक करते हैं, उन बीमारियों को अगर हम चाहें तो योग से भी ठीक कर सकते हैं, जिसमें कोई शरीर के ऊपर उसका नुकसान नहीं होता है। योग से न केवल शरीर हो रहा है, तन मन और ध्यान, ये समस्त चीज़ों के ऊपर हमारा नियंत्रण होता है। दोस्तों, हमारे बीच में इस क्षेत्र के स्थानीय पास्टर जी मौजूद हैं, श्री कौशल पांडे जी। सर, मैं जानना चाहूँगा कि आज जो इस कार्यक्रम में आप शामिल हुए हैं, आपको कैसा महसूस हुआ? मारुतिपुरम में आज योग दिवस के उपलक्ष्य में कार्यक्रम हुआ, बहुत अच्छा लगा। स्वास्थ्य के प्रति यहाँ कॉलोनी में सबको जागरूक किया जाता है। इस कॉलोनी में सबसे अच्छी बात है कि सभी लोगों ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया और मुझे बहुत खुशी है स्वास्थ्य के प्रति यहाँ सभी लोग जागरूक हैं। जी सर, मैं आपका परिचय जानना चाहूँगा और ये भी जानना चाहूँगा जो शाखा चलती है इसमें आपका क्या दायित्व है? दीपक कुमार, ये संघ की दृष्टि से अपने ये दयानंद नगर है, इसके हम नगर कारवां हैं। और आज अपने ये मारुतिपुरम शाखा पे योग दिवस के अवसर पर योग का कार्यक्रम नगर के मारुतिपुरम के लोगों ने रखा था और इसमें सब लोग, मतलब समाज के सभी लोग मिल करके इस कार्यक्रम को किए। बहुत ही अच्छा उसका वो रहा। योग हमारे जीवन में बहुत ज़रूरी है। प्रातः उठ करके हम योग व्यायाम और प्राणायाम कर लेते हैं तो उसका असर पूरे दिन हमारी एनर्जी बनी रहती है और शरीर स्वस्थ रहता है, कभी सुस्ती नहीं आती। इसलिए सभी को योग करते रहना चाहिए। बहुत ही पुरातन योग है जो हम धीरे धीरे कुछ भूल गए थे, जिसको अभी हमारे बाबा रामदेव जी ने या माननीय प्रधानमंत्री जी ने फिर से सब में जागरूकता लाई और सब लोग उसमें बहुत बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं और बहुत उसका रिस्पांस बहुत अच्छा आ रहा है। सर, आज इस योग दिवस के अवसर पे आप लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे? वैसे तो सभी लोग जागरूक हो गए हैं, सभी लोग योग कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं। अगर किसी कारण से कुछ लोग योग करने से रह गए हों तो मेरा उन सबसे निवेदन है कि रेगुलर एक घंटा अपने शरीर के लिए, 24 घंटे में एक घंटा अपने शरीर के लिए दें और हमेशा स्वस्थ रहें। हमारा अगर शरीर स्वस्थ है तो सब कुछ है। समाज में हम जो भी चीज़ें, भौतिकतावादी जो भी चीज़ें हैं उसका हम लाभ ले सकते हैं। अगर हमारा स्वस्थ ही शरीर नहीं रहेगा तो हम किसी चीज़ का लाभ नहीं ले पाएंगे, जीवन का आनंद नहीं ले सकते। इसलिए योग बहुत ज़रूरी है, ये अपनी दिनचर्या में सभी को शामिल कर लेना चाहिए और कम से कम एक घंटा जरूर योग व्यायाम को दें। थैंक यू सर। सर, आपका नाम जानना चाहेंगे। सुशील कुमार गुप्ता। सर, आप जो योगा करते हैं इसे कैसा सभी को महसूस हो रहा है?
शरीर हल्का हो रहा है और स्फूर्ति बनी रहती है दिन भर। सर आपका नाम जानना चाहेंगे? अशोक कुमार बहल। सर ये बताइए, क्या योगा के लिए कोई उम्र निर्धारित होती है? योगा के लिए क्या उम्र, वो मिलते जुलते रहिए, एक्सरसाइज करते रहिए, योग करते रहिए, तो उसमें उम्र का तो पता नहीं रहता, ये हर एक उम्र के लिए है। किसी भी उम्र में आप योगा कर सकते हैं? हर एक उम्र में स्वस्थ रहने के लिए योगा जरूरी है, फिजिकली और मेंटली आदमी इसमें स्वस्थ रहता है। तो दोस्तों, जैसा कि आज इस विश्व योग दिवस के अवसर पर आप सभी लोगों ने इसी बात का संदेश दिया कि हम सभी लोगों को योगा करना चाहिए। योगा ऐसी एक नियामत वस्तु है जो निःशुल्क प्रकृति से मिलती है, और अगर हम लोग योग करते रहेंगे तो निरोग रहेंगे, और जितनी ही लंबी सांसों की हम लोग एक्सरसाइज करेंगे उतनी ही ज़्यादा हम लोगों को लंबी सांसें चलेंगी, जैसा कि आप लोगों का कहना है। तो आइए हम लोग सब लोग मिल करके इसको बढ़ चढ़ करके लोगों के बीच में जागरूकता पैदा करें, और नन्हे मुन्ने बच्चों से लेकर के हर उम्र के लिए योग बहुत ही सार्थक कार्यक्रम है, इसलिए सभी लोग योगा में शामिल हों और हमेशा अपने को चुस्त और दुरुस्त महसूस करें। योग मूल रूप से एक आध्यात्मिक अनुशासन है। यह एक अत्यंत सूक्ष्म विज्ञान पर आधारित है जो मन और शरीर के बीच सामंजस्य लाने पर ध्यान केंद्रित करता है। यह स्वस्थ जीवन जीने का विज्ञान भी है और कला भी। योग शब्द संस्कृत शब्द युज से लिया गया है, जिसका अर्थ है जुड़ना या मिलाना या एकजुट होना। मन की चंचलताओं या क्रियाओं पर नियंत्रण करना ही योग है। वेदों के विद्वान आचार्य स्वयं लिखते हैं, जो पहले से प्राप्त न हो उसे प्राप्त करने का तरीका योग है। योग की मौलिक भावना उपनिषदों से जुड़ी है, जो बताती है कि आत्मा ही सत्य और शुद्ध है, पर यह संसार में रमी रहती है और अनित्य यानी नाशवान पदार्थों के पीछे दौड़ती रहती है। योग द्वारा हम आत्मा को शुद्ध रख सकते हैं। किसी को कष्ट ना देना, झूठ ना बोलना, किसी को ना लूटना, शुद्धता, संतोष, तप, स्वाध्याय और ईश्वर की आराधना ऐसे कर्तव्य हैं जिसका पालन योग मार्ग का सहारा लेने वाले व्यक्ति के लिए जरूरी है। योग को हम दो तरह से समझ सकते हैं। इनमें एक प्राणायाम, जो ध्यान एवं एकाग्रता के लिए उपयोगी है। आसनों का दूसरा प्रकार शारीरिक रोगों के निवारण और स्वास्थ्य के लिए है। वास्तव में आसनों का प्रारंभिक उद्देश्य है रोगों का निवारण एवं स्वस्थ शारीरिक संस्कार की प्राप्ति करना। यदि कोई योगी अपेक्षाकृत स्वास्थ्य और शरीर वाला है तो वो प्राणायाम एवं अन्य अंगों का अभ्यास कर सकता है। ये हमारा बहुत ही योगदायक लाभदायक योग माना जाता है। चाहते महाभारत में भी लिखा गया है कि योगी को तैलयुक्त पदार्थों का सेवन नहीं करना चाहिए, उसे तब योगाभ्यास नहीं करना चाहिए जब पेट में वायु हो, या वो भूखा या थका हो, या जब मन से आत्मस्थित हो, या अधिक शील या उष्मा हो। गीता में भी कहा गया है कि जो अधिक खाता है या पूर्ण उपवास करता है वह योग में सफल नहीं हो सकता है। इसलिए हमें योग को बहुत ही साधना और संयम के साथ करना चाहिए। आज विश्व योग दिवस के अवसर पर सभी महिलाएं पुरुषों ने बड़ी ही इच्छा शक्ति से भाग लिया और इस मारुतिपुरम का जो एकता और अखंडता का परिचय दिया, इसका संकेत पूरी दुनिया में यूपी राजधानी ट्यूब के माध्यम से जाएगा और इस बात का नज़ीर बनेगा कि हम योगा करेंगे, स्वस्थ रहेंगे, मस्त रहेंगे, एक रहेंगे, तभी हम लोगों का मानव जीवन सफल माना जाएगा और हम सब लोग एक साथ रहकर ही मानो मानो एकता का परिचय देंगे, तभी हमारा देश पुनः सोने की चिड़िया बनेगा। यूपी राजधानी न्यूज़ से केशव गौतम, नमस्कार।